नालछा व्यापारी संगठन ने नालछा में हो रही लगातार चोरियों के खिलाफ नालछा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने ज्ञापन में बताया कि नालछा में आए दिन दुकानों में हो रही चोरी की घटना से समस्त व्यापारी और आम जनता परेशान है। नालछा बाजार में चोरों का गिरोह सक्रिय है, जो बच्चों के द्वारा चोरी करवाते हैं। सक्रिय गिरोह ने जिस चोर को जनता द्वारा पकड़ा जाता है उसको पुलिस छोड़ देती है, जिसमें चोरों के और उनके गिरोह के हौसले बुलंद है। उक्त घटनाओं में ग्राम नालछा में समस्त व्यापारी आक्रोशित हैं। व्यापारी संगठन नालछा द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि चोरी की वारदात नहीं रोकी जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। नालछा में आए दिन चोरी हो रही है, उसके बाबत पुलिस द्वारा चोरों को छोड़ा जा रहा है। निवेदन, ग्राम नालछा में आए दिन दुकानों एवं बाजारों में चोरी की घटनाओं से समस्त व्यापारी एवं दुकानदार एवं आम जनता परेशान है। नालछा बाजार में आए दिन जनता के जेब कटते हैं, मोबाइल चोरी होते हैं। नालछा बाजार में चोरों का गिरोह सक्रिय है, जो बच्चों के द्वारा चोरी करवाते हैं। अभी 8 रोज में 3-4 चोरी की घटना हो चुकी है। लोगों द्वारा चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता है, पर पुलिस उनको छोड़ देती है। न तो पुलिस चोर को पकड़ती है, न उनके पीछे सक्रिय गिरोह को, जिस चोर को जनता द्वारा पकड़ा जाता है उसको पुलिस छोड़ देती है। इससे चोरों के व उनके गिरोह के हौसले बुलंद हैं, आए दिन वारदात करते रहते हैं। अंकित बंसल की दुकान में चोर घुस गया, जिसको पकड़कर थाने में सपोर्ट किया गया। 10-15 मिनट में थाने वालों ने उसको छोड़ दिया। पिछले दिन एक टायर की दुकान में भी चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था, उसको भी छोड़ दिया गया। उक्त घटनाओं से ग्राम नालछा के समस्त व्यापारी आक्रोशित हैं एवं व्यापारी संगठन नालछा द्वारा आपको चेतावनी दी जाती है कि उक्त घटनाएं नहीं रोकी जाती, उग्र आंदोलन किया जाएगा। समस्त व्यापारीगण एवं व्यापारी संगठन नालछा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।